मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि हुण सरकारी मुलाजमान नूं लैके जिहड़ा कच्चा शब्द आ उहदा अंत हो चुका है, नवें युग की शुरुआत हो चुकी ने। तो जिहड़ा 12,710 अध्यापकां नाल कच्चा शब्द जुड़िया सी उह हुण मिट गया। असल दे विच पंजाब सरकार वल्लों 12,700 अध्यापक जिहड़े कच्चे तौर पर जाने जाते सी उहनां नूं अज सरकार ने पक्कियां सेवावां कर दित्तियां ने। तो यह जिहड़ा ठेका आधारित अध्यापकां नूं हुण रैगूलर नौकरी दे नियुक्ति पत्र सौंपे गए ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों। उन्होंने कहा कि जो अध्यापक वर्ग के नाल वादा किया सी वो पगा दिता गया। चंडीगढ़ विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में नवे युग की शुरुआत की एक दिशा और उस दिशा में कदम पुटदियां सिक्ख्या विभाग में काम कर रहे 12,710 ठेका आधारित अध्यापकों रैगूलर नियुक्ति के पत्र सौंप के अध्यापक वर्ग नाल किते वड्डे वादे नूं पूरा कर दिखाया। इतने टैगोर थिएटर विखे हुए एक समागम दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने अहुदा संभालने तो बाद सारिया कानूनी प्रशासनिक अड़चणों पार करदे इन अध्यापकों दी सेवाओं को रैगूलर करने पर जोर दिता है। भगवंत मान ने कहा कि इस फैसले का मंतव अध्यापकों के सुरक्षित भविख को यकीनी बनाना है, क्योंकि उन्हों का विश्वास है जे अध्यापकों का भविख सुरक्षित है तो वह भी विद्यार्थियों की किस्मत को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार वालों किए गए ठोस उपरालों सदका ही अज इतिहासक दिन देखने मिल रहा है। होर मुलाजमान नाल अपनी भावुक सांझ जाहर करदा मुख्यमंत्री कहा कि हर मुलाजम की समस्या का हल किया जाएगा, जिस लई सूबा सरकार पहले ही हर संभव जतन कर रही है। ये आखद्या कहा कि वह अध्यापक वर्ग को दरपेश सारिया समस्यावान हल करने मौजूद हैं। तो भगवंत मान ने कहा कि वह एक अध्यापक के पुत्र होने के नाते अध्यापकों दी समस्यावान चंगी तरह जानते हैं और अध्यापकों को दरपेश सारिया समस्या हल करना उन्होंने फर्ज है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना लोगों का है तो समाज के हर वर्ग की भलाई लिए एक एक पैसा समझदारी के नाल वरत्या जाएगा। एक कलाकार वजो उन्होंने अंथ कोशिशों सदका सरहदी पिंड की एक लड़की की जिंदगी बदल का किस्सा सुनाऊंदा मुख्यमंत्री ने दसा कि उस लड़की को सिक्ख्या प्राप्त करने बहुत मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, पर उन्होंने निमाणे जे जतना सदका उस दी कोशिशों को बूर पिया तो उसने सफलता की नवी कहानी लिखी। उन्हें कहा कि जे एक कलाकार अजिहा कर सकता तो सूबे का मुखी तो होर भी बहुत कुछ कर सकता है। उन्हें कहा कि मंदभागी गल है कि इन्हां अध्यापकों नूं नगूनियां तनखाह ते काम करना पिया, पुरानियां सरकारां दी बेरुखी कारण उन्हां नूं अपने जायज़ हक्कां लई प्रदर्शन करने पए। भगवंत मान ने कहा कि मनरेगा अधीन काम करदे मजदूरों नूं भी अध्यापकों नालों वध तनखाह मिलदियां ने, तो उन्हें अफसोस जाहर करदिआं कहा कि यह कौम निर्मातावां दे अत्याचार नहीं तो होर की है। मुख्यमंत्री कहा कि किसी ते कोई आसान नहीं है, सगो सूबे अते जनता की सेवा करना उन्हां दा मुढ़ला फर्ज है। भगवंत मान ने कहा कि वह खुश हैं कि सूबे के लोगों ने उन्हां ते इन्ना भरोसा जताया तो वह इस विश्वास नूं कायम रखने लई हर संभव जतन करनगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार सूबे के सर्वपक्षी विकास लई अते लोगों की खुशहाली नूं यकीनी बनाउण लई हर संभव जतन कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हुण तों इन्हां अध्यापकों के अग्गों कच्चे शब्द हमेशा लई हट जाणगे। उन्होंने कहा कि इन्हां अध्यापकों नूं हर साल 5% तनखाह वाधे दे नाल नाल छुट्टियां समेत होर लाभ भी दित्ते जाणगे। मुख्यमंत्री कहा कि सूबा सरकार ने एक होर इतिहासिक पहलकदमी करदिआं फैसला किया कि अध्यापक सिर्फ अध्यापन कार्य नाल ही संबंधित सेवा निभाउणगे अते उन्हां दे किसी गैर अध्यापन कार्य लई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वालों सूबे में मरदमशुमारी 66,000 अध्यापकों की मांग की गई सी, जिस तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिता तो केंद्र सरकार ने इस मंतव लिए बेरोजगार नौजवानों को भर्ती कर ली क्या। उन्होंने कहा कि इस नाल नौजवानों को सरकारी कामकाज बारे जानकारी हासिल करने के नाल उन्होंने हुनर विकास में भी मदद मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि अजिहे फैसले सिर्फ उही व्यक्ति लै सकते हैं जो जमीनी पद्धर के लोगों नाल जुड़िया होवे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वड्डे वड्डे घरां विच रहण वाले आगू जिहड़े फैसले नहीं लै सकते सी क्योंकि वह जमीनी हकीकतों तो जाणू नहीं सन। भगवंत मान कहा कि भावें उन्हां कोल एडे वड्डे घर नहीं है पर लोगों का अथाह प्यार अते विश्वास ही उन्हां दी सारी जायदाद अते खजाना है। उन्हें कहा कि जदों सूबे दे लोग उन्हां दे नाल हन तां पैसे अते धन दौलत दे रूप विच होर किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पिछलियां सूबा सरकार ने अपने कार्यकालों के आखिरी समय थोड़ियां बहुतियां रायतां दे के लोगों नूं मूर्ख बनाया। उन्होंने कहा कि इन्हां लोगों ने अपने शासन दौरान लोगों नूं लुट्टिया ते कदे भी उन्हां दी भलाई लई कोई विशेष फैसले नहीं लए। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने सरकार सूबे के लोगों की भलाई नूं यकीनी बनाउण लई सत्ता विच आउण दे पहले दिन तो लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने आस प्रगटाई कि अध्यापक सूबे में सिक्ख्या प्रदान करने पूरी जिम्मेवारी तनदेही अपन सेवावान निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जदों सूबा सरकार अध्यापक के सांझे जतना सदका पंजाब की म्यारी सिक्ख्या के खेत्र में देश का मोहरी सूबा बन के उभरेगा। भगवंत मान ने कहा कि सिक्ख्या के खेत्र में नवी क्रांति देखने को मिल रही है तो असं सारे खुशकिस्मत हाँ कि असी इस उदम का हिस्सा। मुख्यमंत्री कहा कि जिस तरह हवाई अड्डों के रनवे हवाई जहाज में सुचारू ढंग उड़ान भाली सूल देंगे उस तरह सूबा सरकार विद्यार्थियों के सुपन साकार करने मदद कर रही है। उन्होंने जोर दे के कहा कि विद्यार्थियों के विचारों प्रफुल्लित करने हर संभव यतन किए जा रहे हैं, इस कार्य लिए कोई कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। भगवंत मान ने अध्यापकों को अपील की कि वह समाज में नौजवानों की अपनी वक्री पछाण बनाने लिए उन्हां दी मदद करने लिए हर संभव यतन करन। मुख्यमंत्री अगे दसा कि सूबा सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में पढ़ दिया विद्यार्थियों लिए बस सेवा शुरू करेगी। इसलिए 20,000 विद्यार्थियों लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जिस विच 12,000 लड़कियां ते 8,000 लड़के शामिल होंगे। उन्होंने दसा कि स्कीम लिए 21 करोड़ का बजट पास किया जा चुका है जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ दिया विद्यार्थियों को सहूलत प्रदान करना है। भगवंत मान ने कहा कि इन्होंने बसों को GPS सिस्टम नाल लैस किया जाएगा ता जो मापे बसों की आवाजाई पर नज़र रख सकन। उन्होंने अगे कहा कि एक कदम सरकारी स्कूलों में पढ़ दिया लड़कियों की सुरक्षा यकीनी बनाने की दिशा वाल अहम भूमिका निभाएगा। इस तो पहला इकट्ठ को संबोधन करदिया पंजाब के सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विभाग में क्रांति के नवे दौर की शुरुआत करने मुख्यमंत्री की शलाघा की। जिक्रयोग है कि BA पास सिक्ख्या प्रोवाइडर एसोसिएट टीचर जो पहला 9500 रुपये तनखा ले रहे थे हूँ उन्होंने 20,500 रुपये तनखा वजो मिलेंगे जबकि ETT NTT योग्यता वाले अध्यापकों को मौजूदा 10,250 रुपये के मुकाबले 22,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह BA MEd BEd डिग्रिया वाले जिहे अध्यापक जो इस मौके 11,000 रुपये तनखा ले रहे थे उन्होंने हूँ 23,500 रुपये तनखा वजो मिलेगी। तो IEV वलंटियर जो हूँ तक 5,500 रुपये तनखा ले रहे थे उन्होंने हूँ 15,000 रुपये तनखा मिलेगी। इस तरह 3,500 रुपये तनखा ले रहे सिक्ख्या वलंटियरों हूँ 15,000 रुपये तो 6,000 रुपये तनखा ले रहे EGS EII STR अध्यापकों को हूँ 18,000 रुपये मिलेंगे। हूँ सरकार के जोड़े अज रेगुलर होने नियुक्ति पत्र दिए गए ने काफ़ी अध्यापक खुश भी है पर देखते हैं कि जिमें बाकिया के स्केल ने फुल स्केल उस सरकार कदों देने की पहलकदमी करेगी। फिलहाल इस जानकारी के नाल ही तुहाडे तों लैंदे आ गया पर तुसीं इस तरह देखते रहो ABC पंजाब। धन्यवाद।